नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जब चंद दिन बाकी हैं, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में जब मुश्किल से एक सप्ताह बाकी है, तब देश के एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक कल देर शाम इस्तीफा दे दिया, या इस्तीफा पहले दिया, देर शाम कल खबर आई। चुनाव से ठीक पहले अरुण गोयल का इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया जब चुनाव आयोग में सिर्फ दो चुनाव आयुक्त हैं। एक चुनाव आयुक्त पहले रिटायर कर चुके अनूप पांडे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार और उनके साथ थे अरुण गोयल। तो अब अरुण गोयल ने अगर इस्तीफा दे दिया तो अब देश में तीन सदस्यों के पैनल में सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त बचे। लेकिन अरुण गोयल ने क्यों अचानक इस्तीफा दिया? वो अरुण गोयल जिन्हें केंद्र सरकार ने जिस ढंग से अपॉइंट किया था चुनाव आयुक्त, उसको लेकर बहुत सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर हुई थी, 24 घंटे के भीतर उन्होंने वीआरएस लिया था और 24 घंटे के भीतर चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहसें हुई थी। वही अरुण गोयल पंजाब कैडर के अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आखिरी में चुनाव आयुक्त बनने से पहले केंद्र सरकार में सचिव थे। वो अरुण गोयल जो अभी तीन दिन पहले तक बंगाल में थे, बंगाल के दौरे पर गए थे, वहां की चुनावी तैयारियों की जानकारी लेने के लिए 4 और 5 मार्च को, और उसके बाद 4 मार्च को वो ठीक ठाक दिखे, 5 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो चुनाव आयुक्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी मुख्य चुनाव आयुक्त और अरुण गोयल की, तो अचानक खबर दी गई कि उनकी तबीयत खराब है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद से कोई जानकारी मिली नहीं। एक मीटिंग परसों होनी थी चुनाव आयुक्त में, नौकरे चुनाव आयोग में, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव और रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन की मौजूदगी में चुनाव की तैयारियों को लेकर कोई बैठक थी सुबह 11 बजे शुक्रवार की सुबह। उस बैठक से कुछ देर पहले सूचना दी गई कि उनकी तबीयत खराब है, वो मीटिंग में नहीं आएंगे, और तब शनिवार देर शाम खबर आ गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब जब अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक था और अगले साल फरवरी में मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे, तो क्यों दिया अरुण गोयल ने इस्तीफा? इसको लेकर तमाम तरह के अनुमान कयास कल देर शाम से लेकर, कल रात से लेकर, अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं, लगातार लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की थ्योरी आ रही है। आखिर क्या वजह है कि वो चुनाव आयुक्त जो सरकार का प्यारा हो, जिसे सरकार ने चुनाव आयुक्त में जब पदस्थापित किया तब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौतियां दी गई हो, वो चुनाव आयुक्त अचानक क्यों इस्तीफा दे देता है? क्या है इसके पीछे कहानी? ये इस्तीफा रहस्यमय सा क्यों लगता है? अगर तबीयत कोई वजह है तो पता चले, अगर कोई और वजह है तो पता चले, अगर उनको किसी इंटरनेशनल नौकरी में जाना है तो पता चले, कोई दबाव था तो पता चले, बंगाल गए वहां से अधूरी मीटिंग अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर क्यों आ गए, क्या वजह है पता चले। ये भी पता चला कि 12-13 मार्च को अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाना था, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो चुनावी प्रक्रिया आखिरी दौर में उसका मुआयना करना था, रिव्यू मीटिंग होनी थी, टिकट से लेकर सारे इंतजाम हो चुके थे और अचानक उनका इस्तीफा कल शाम को सामने आ गया देर शाम को। तो ये ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं के खेमे में हर जगह कयासों का, अनुमानों का दौर है और ऐसे ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं जिसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे दो खास मेहमानों से, कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया एकदम रहस्यमय ढंग से, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ठीक चुनाव के पहले, चुनाव की तारीखों के ऐलान के 5 दिन पहले या 6 दिन पहले। और अब अगर एक ही चुनाव आयुक्त बच गए चुनाव आयोग में, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो क्या अगले 5 दिन के भीतर सरकार दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर लेगी, क्योंकि दो पद खाली हो गए? और ये नियुक्ति होगी तो उसकी प्रक्रिया पर क्या सवाल उठेंगे? क्योंकि प्रक्रिया पर सवाल उठे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्यवस्थाएं बदल दी थी जिसको केंद्र सरकार ने संसद से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट करके और एक नई कमेटी के गठन का कानून बना दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उनकी तरफ से चुना गया या उनकी तरफ से नामित कोई कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष होगा, 3 सदस्यों का पैनल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पर मुहर लगाए। क्या ये सब अगले 5 दिन में हो जाएगा? और या फिर यही मान ले कि सिंगल पैनल, अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त देश के लोकसभा चुनाव को गवर्न करेंगे, मॉनिटर करेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के साथ बहुत सारे अनुमान, कयास कह सकते हैं, अफवाह भी, और बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। जब ऐसे अचानक इस्तीफा होता है तो सरकार के लिए असहजता भी है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड को लेकर सरकार की फजीहत हो चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार करके कहा था कि 6 तारीख तक आप सारा
डेटा मुहैया कराइए और 13 मार्च तक चुनाव आयोग सारी सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। और आपको पता होगा कि SBI 6 तारीख की जो म्याद थी, डेडलाइन, उसके 2 दिन पहले SBI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि हुजूर मिलॉर्ड हमें तो 30 जून तक का समय चाहिए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त और चाहिए, तब भी सवाल है और उस मुद्दे पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो कहीं गर्दन फंस गई क्या चुनाव आयोग की, या कोई और वजह है? और वजह है तो सामने क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मामूली बात नहीं है। तो पता कब चलेगा, क्या पर्दादारी है? ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, NK सिंह साहब, जिन्हें आप अक्सर हमारे साथ बातचीत में देखते हैं, 4 दशकों का उनका अनुभव है, लेकिन संविधान, कायदे कानून, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, नियुक्ति प्रक्रिया, हर चीज को बारीकी से जानते समझते हैं। कुछ पहलुओं पर उनसे समझेंगे और इसके मायने क्या है समझना जरूरी है, ये कहते हुए कि पक्के तौर पर जानकारी अभी नहीं है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जो हुआ वो रहस्यमय है, रहस्य से पर्दा कब उठेगा। दूसरे खास मेहमान है हेमंत अत्री साहब, हरियाणा में रहते हैं लेकिन दैनिक भास्कर से लेकर कई अखबारों तक जुड़े रहे हैं और देश की राजनीति को समझते हैं। पहला सवाल हेमंत अत्री साहब आपसे ही, सवाल ये कि जिस चुनाव आयुक्त को जिस तरह से नियुक्त किया गया 24 घंटे के भीतर, 18 नवंबर 2022 को उन्होंने BRS लिया और 19 नवंबर 2022 को उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया, 24 घंटे में भी पैनल से उनका नाम सेलेक्ट होना, प्रधानमंत्री का मुहर लग जाना, राष्ट्रपति का मुहर लग जाना और चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त हो जाना, और उसके बाद उनके उनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बवाल, उस पर विस्तार से बातें आएंगी, और उसके बाद उसी चुनाव आयुक्त को जिसको अभी 2027 तक रहना है, जो अभी अगले साल का मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो चुनाव आयुक्त अचानक कैसे राष्ट्र में ढंग से इस्तीफा देता है, कुछ खबर आ रही है? खबरें बहुत तरह की, थ्योरी चल रही है ट्विटर पर। देखिए अजीत जी, आज की तारीख में जब कोई ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, केवल पर्सनल रीजंस के कारण इस्तीफे की बात की गई है, तो दो चीजें होती है चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग में कोई लंबा चौड़ा कामकाज नहीं होता है। जब चुनाव की घोषणा होनी होती है तो उससे पहले इलेक्शन की शेड्यूलिंग होती है और कितने राउंड्स में चुनाव होगा, कहां कब होगा, लाइक दैट, दैट इज पॉइंट नंबर वन। और दूसरा, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, पैनल फोर्स की तैनाती होगी, कैसे होगी। तो चुनाव से पहले केवल एक काम ये होता है, शेड्यूलिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पैराबिलिटी। और चुनाव के दौरान आप देखेंगे बहुत बार कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की शिकायतें आती है, उसके दौरान इलेक्शन कमीशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रेगुलर मॉनिटरिंग का और खासतौर पर MCC की वायलेशन का। आज जब सारा चुनाव आयोग पूरे देश में घूम घूम कर और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा था, और जैसा आपने उचित फरमाया कि बंगाल के दौरान, देखिए आज की तारीख में अरुण गोयल जी के इस्तीफे देने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण हो सकता है, और वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन शेड्यूलिंग ऑफ इलेक्शन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस आज की तारीख में। इसके अलावा जैसे लवासा साहब का इस्तीफा हुआ था, बहुत थोड़े उदाहरण है चुनाव आयोग में, तो उस टाइम पर किस बात पर इस्तीफा हुआ था कि प्रधानमंत्री पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन का आरोप था और लवासा साहब उनको क्लीन चिट देने के खिलाफ थे, उन्होंने फाइल पे लिख दिया, डाइस नोट भी हो गया, सारी बात होगी, लेकिन तब के CEC ने नहीं माना और वो बात खुल के आ गई, वो स्टोरी मैंने ही की थी, फ्रंट पेज फ्लायर लगी थी वो। आज की तारीख में चूंकि पर्सनल रीजंस बता करके इस्तीफा दिया गया है, तो ऑफिशियली तो देर इज नो वर्ड जी जी, ये तो सच बात है, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से आप ये बताइए कि ये इलेक्शन कमीशन तो पूरे देश में घूम रहा था, बंगाल की ही मीटिंग क्यों छोड़ के आए अरुण गोयल साहब, ये भी एक सवाल है ना। और वहां पर बंगाल में जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के स्टेक्स हैं, भाजपा जिस तरीके से चुनाव कराना चाहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो सबसे बड़ी पहेली जिसका आपने जिक्र किया, कि आज की तारीख में अगर चुनाव आयोग में दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करें तो अरुण गोयल ज्यादा ब्लू एंड बॉय हैं सत्ता के, बनिस्बत के CEC के, उसके बावजूद उनका इस्तीफा देना, इसका मतलब बड़ा साफ है कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे जिनको आयरन आउट नहीं किया जा सका। लेकिन इसकी कोई वजह, इसकी 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 वजह, NK सिंह साहब आपके पास आता हूं भाई, अगर जो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी लिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं कि वो चुनाव आयोग को कवर करते हैं, जैसे स्वाति चतुर्वेदी का मैं देख रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिख दिया, उन्होंने तो ये लिख दिया, अरुण गोयल हु रिजाइंड एज इलेक्शन कमिश्नर नाउ डिसाइड्स टू कंटेस्ट पंजाब लोकसभा एज ए BJP कैंडिडेट, इस पर भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बहुत तरह की थ्योरी। अब जैसे ये भी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग TMC के लीडर और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, हेमंत अत्री ने भी कहा कि बंगाल को लेकर कुछ डिफरेंसेस था, या वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज के डिप्लॉयमेंट को लेकर डिफरेंसेज था, और डिफरेंसेज किससे, CEC से, राजीव कुमार से। भाई राजीव कुमार और अरुण गोयल दोनों दो दिशा में चल रहे होंगे, इसकी अभी कोई बुनियाद समझ में नहीं आती। राजीव कुमार और अरुण गोयल के डिफरेंसेज की वजह से वो इस्तीफा दे दे, ये भी समझ में नहीं आती, तो फिर वजह क्या है? और ये अगर हुआ
तो इसको कैसे समझा जाए सिंह साहब? आपके दिमाग में है जो कंफ्यूजन अत्री जी के उसमें है, लगभग वही हमारा भी है। बहुत सिंपल सी बात है कि कल जैसे कि मान लीजिए उनको एमपी का इलेक्शन लड़ाना है, तो क्या भारत में कोई और नहीं था एमपी का चुनाव लड़ाने के लिए? एक यही इलेक्शन कमीशन, वो भी इतने झंझावात के बीच में जिसमें सरकार की किरकिरी भी होती है। पहला ये था, लवासा के टाइम से आज के दौर में काफी कुछ बदल गया है ब्यूरोक्रेसी में, जो ईडी और इसके तांडव हुए हैं, लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि अचानक किसी को जिनको इतने जद्दोजहद से और रात भर में अपॉइंटमेंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इसमें जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, जब अपॉइंट करते हैं आप और सर्च कमिटी पांच नामों में से एक लेती है, तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड के लिए कि पांच नाम है, ये वाला अच्छा है कि वो वाला ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ है, इसको देखने के लिए आपको रात भर में समझ लिया आपने, पैनल आपके सामने आया और रात भर में आपने इसका ज्ञान कर लिया और उसको अपॉइंट कर लिया। तो जिस आदमी को इतने जद्दोजहद के साथ लाया गया हो, उसका अचानक ब्रह्म ज्ञान जगता है, और जबकि उसको 2.5 साल अभी 27 में रिटायर होते दिसंबर में, और फरवरी 24-25 से ये सीईसी बनने जा रहे थे, तो इस पद को छोड़ के अचानक उनको ब्रह्म ज्ञान आया कि डिप्लॉयमेंट 100 कंपनी का हो वहां पे, मतलब 10,000 सेंट्रल फोर्सेस का हो या 5,000 का हो या 40,000 का हो, इस बात पे छोड़ दिया। ये कतई नहीं समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में डिप्लॉयमेंट कैसा हो। और यही इलेक्शन सिंह साहब इससे ऐसा लग रहा है जैसे राजीव कुमार को टीएन सेशन जैसे है कि वो एकदम मोदी सरकार और सरकार से कन्फ्रंट करके कोई इतना बड़ा फैसला, भाई उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो हम देख रहे हैं सीसी का, तो भाई दोनों पर आरोप है सरकार के से लाइन लेंथ में चलने का। भाई जो इलेक्शन कमिश्नर और सीसी नेता विपक्ष को या विपक्षी नेताओं को महीनों से मीटिंग के लिए वक्त न दे रहा हो ईवीएम को लेकर सवाल या जो भी सवाल है, ऐसा लग रहा है जैसे सीसी पता नहीं क्या बड़ा फैसला करने वाले थे, तो ये समझ में नहीं आ रही है बात, गले नहीं उतर रही। और जैसा कि कहा हेमंत अत्री ने कि ये ब्लू व्हाइट बॉय थे, ये मुझे अभी मैं जिन चुनाव आयोग में बहुत सीनियर मोस्ट पद पर रहे एक सज्जन से मैंने भी बात की, अत्री साहब ने भी बात की होगी, उन्होंने मुझे कहा कि अजीत जी मेरी जानकारी के मुताबिक ये भले सीसी नहीं थे लेकिन बड़े फैसले सीसी से ज्यादा मजबूती से अरुण गोयल ले रहे थे क्योंकि सरकार के करीब थे। बिल्कुल सही है, और सरकार राजीव भी उतने ही करीब थे। किसकी हैसियत है आज के निजाम में कि उसको ब्रह्म ज्ञान जगे और नैतिकता के तराजू पे वो अपने को तौलने लगे, क्या ऐसा होता है क्या? दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि हम मान लें कि अरुण गोयल को ये ब्रह्म ज्ञान आ गया था, तो उनको क्या इसके आगे नहीं देखना था कि आगे चीजें कैसे होनी जा रही है? तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल का ही सिर्फ इश्यू होगा कि डिप्लॉयमेंट कैसे हो, पोल की डेट्स क्या हो, इस बात पे वो आदमी जो ब्यूरोक्रेसी में इतने लंबे समय तक रहा हो, वो अचानक एक किसी इशू पे, और ये 8 चुनाव करा चुके हैं असेंबली के, ये जिन्होंने इस्तीफा दिया है अरुण गोयल ने, उनके रेजिम में 8 चुनाव हुए, उस पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, तो ये अचानक कंफ्यूजन आ गया लोकसभा के चुनाव में। हाँ, कल हो सकता है कि हम सुने जैसा अत्री जी कह रहे हैं कि कहीं एमपी का इलेक्शन भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन एमपी के इलेक्शन, हाँ एक चीज हो सकती है कि इनको हटाओ और अगला जो 13-14 को हम मीटिंग ले रहे हैं जिसमें एक अपॉइंट करना है पांडे जी के जाने के बाद, जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनके फरवरी में रिटायरमेंट के बाद एक अपॉइंटमेंट होना था, तो अब की ऐसा करते हैं कि 2 कर लेते हैं और एक साथ अपने मन का कुछ ज्यादा लॉयल, शायद हो सकता है कि मोदी जी के स्कीम में अब कॉम्पिटिटिव लॉयल्टी चल रही हो कि ये वाला ज्यादा लॉयल या वो वाला ज्यादा लॉयल, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि एक साथ दोनों के अपॉइंटमेंट कर लेते हैं ताकि लंबे दूर तक के घोड़े होंगे, ये पॉसिबल हो सकता है। एक ये थ्योरी चल रही है कि साहब इसलिए कि इनको हटा दो, उनको शायद राजीव से कुछ खतरा था, जो सीसी है उनसे कुछ ऐसा लग रहा था कि वो हिसाब से नहीं कर रहे,
हालांकि मेरा कहना है, तो इनको क्यों इस्तीफा दिलवाएंगे? अगर मान लीजिए कि अजीव गोयल से थोड़ा सा शक है कि उनका ब्रह्म ज्ञान जग गया हो, तो इनको क्यों इस्तीफा दिलवाएंगे? और इस्तीफा दे, हाँ ये हो सकता है कि ये वादा हो कि तुम्हें हम एमपी बनाएंगे और नया दो और लाते हैं ताकि बहुमत वहां पे हमारी हो, हमारे हिसाब से चीजें सर, ये सब भी, ये सब भी अभी मुझे लगता है काइट फ्लाइंग जैसा ही है सिंह साहब। बिल्कुल जैसे, है, बिल्कुल जैसे है, बिल्कुल है। काइट फ्लाइंग इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम लोग बात करते हैं, सब लोग सीनियर लोग हैं भाई, मान लो कोई कहे कि पंजाब का चुनाव लड़ाने के लिए या लड़ सकते हैं इसलिए, तो भाई किसी से बात हो रही थी कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन में कोई अगले 4 साल तक रहने वाला है, 3 साल तक वो सीसी रहने वाला है, तो सरकार के लिए वहां फायदेमंद होगा कि पंजाब में जाके जहां जीतेगा कि नहीं जीतेगा वो सरकार के लिए फायदेमंद होगा? तो ये थ्योरी तो इस आधार पर कटती है, क्योंकि ये इतना बड़ा बड़ी चीज नहीं है कि कोई सरकार चाहे कि तुम यहां से हट जाओ, एक बात। दूसरी बात कि जो आपने कहा और कि डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन ऑन डिफरेंट फैक्टर या डिफरेंट इशूज सीसी से और इनसे, लेकिन बात वही है कि अगर सरकार के करीबी दोनों है तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना हो जाए कि 4 साल पहले पद छोड़ दे, 27 में आप रिटायर करने वाले हैं, ये भी गले से नहीं उतर रहा, तो फिर बात आ रही है कि वो हम सब लोग भी अंधेरे में अच्छा, कि हो क्या रहा है नेता विपक्ष। और एक चीज और है कि जहां कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा जब तक डेफिनेट और इनकंट्रोवर्टिबल इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो, वहां एक चीज और भी है। बहुत बड़ा देश है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है, और ट्रूप्स मूवमेंट जो होती है ना, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है, उसकी शेड्यूलिंग करना और राज्यों के हिसाब से, क्योंकि वो ट्रूप्स मूवमेंट जो होता है इस तरह किया जाता है कि मिनिमम मूवमेंट से वो मैक्सिमम गेन ले ले, क्योंकि उस पर खर्च बहुत आता है और खर्च के अलावा कंबर्टम भी होता है। तो ये एक्सरसाइज भारत में चुनाव कराना कोई साधारण काम नहीं है। एक तरफ बंगाल है, दूसरी तरफ यूपी है, तो मुझे लगता है कि ऐसे में एक इलेक्शन कमिश्नर से चुनाव कराए। बड़ा अच्छा खड़गे साहब का एक ट्वीट है, और मैं वही जस्ट मैं वही पढ़ने वाला था, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ओमिशन। जी जी प्लीज, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ओमिशन, और उसमें एक सेंटेंस बड़ा अच्छा उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब विजडम कुछ कुछ तो आने लगा है, क्योंकि ये सेंटेंस बड़ा अच्छा है। इन्होंने कहा है, एज आई हैव सेड अर्लियर, इफ वी डू नॉट स्टॉप द सिस्टेमिक डेसिमेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, अवर डेमोक्रेसी शैल बी यूज्ड बाय डिक्टेटरशिप। बड़ा अच्छा कहा है कि ये जो कमजोर स्वतंत्र संस्थाओं को खत्म किए जाने से नहीं रोका तो लोकतंत्र पर तानाशाही का कब्जा होगा, कंट्रोल होगा, जो आपने पढ़ा सिंह सर। तो यहाँ पे जो असली दिक्कत है, आखिर क्या होता है कि अचानक एक आदमी को आप इतने जद्दोजहद से, उस रात आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया होगा प्राइम मिनिस्टर ने, जब क्योंकि डिसाइड होता है इलेक्शन कमिश्नर तो प्राइम मिनिस्टर उसके मुखिया होते हैं, तो अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाया था एक ऐसे आईएएस को जो 11 साल से आपके पास था, सेंट्रल डिप्लॉयमेंट उसमें डेपुटेशन पे था, और 11 साल से वो हैवी इंडस्ट्री से लेके कई डिपार्टमेंट में रह चुका था, हैवी इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा वो मंत्रालय माना जाता है, और उसके साथ वो और पेट्रोलियम, ये दोनों यहाँ गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो माने जाते हैं। ऐसे में अगर वो रहा और आप उसको नहीं पहचान पाए और वो आपके मत से मत वैभिन्न रख रहा है, तो मेरे ख्याल से वो तो आपके जजमेंट का फेलियर था। लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं है, अभी ये आकलन ही है ये सारा। अब इसी में बीच में मैं एक बता दूं कि स्क्रीन पर डालिए, जयराम रमेश का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि गोयल के इस्तीफे से मेरे मन में 3 सवाल आए, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके बीच में मतभेद थे या है, क्या मोदी सरकार से उनके मतभेद हैं, क्या वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, वही जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे अत्री साहब। या एक तो ये 3 सवाल, और उसके बाद अगले 5 दिन में आप कैसे अपॉइंट करेंगे 2, उस सर्च कमेटी ने क्या पहले से सर्च करके रखा है, क्योंकि पहले भी जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था उसका सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ था वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप इतनी जल्दी 5 दिन में करेंगे भी तो चुनाव का नोटिफिकेशन आपको अगले 7-8 दिन में करना होगा। पिछली बार अगर मुझे याद है 2019 में 10 मार्च को शायद नोटिफिकेशन हो गया था,
तो अब दिन तो ऐसे भी गिनती के बचे, और वो नया आदमी आएगा और उसके बाद फिर चुनाव की सारी तैयारियां, वो पेचीदगी भी है। तो ये पहेली को कैसे सुलझाया जाए? नहीं, इसमें अजीत जी देखिए, एक तो जो चुनाव लड़ने वाली बात जो स्वाति ने लिखी है वो एक व्यंग है, उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट से उसको जोड़ करके एक व्यंग तर्ज कसाया सरकार पे, एक बात तो मैं बता, उसमें कोई ज्यादा उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात आपने कही कि जो इलेक्शन प्रोसीजर, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, उसमें एक चीज है कि फरवरी में जब अनूप चंद्र पांडे जी रिटायर हुए थे तब से लेकर के वो सिलेक्शन कमेटी इज ऑलरेडी ऑन द जॉब, बट दे वर लुकिंग फॉर ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर। अब ये स्थिति एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट हुई है तो अब इनको दो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अजीत जी, सवाल एक इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का या दो की का नहीं है, इसमें सवाल कुछ और है। जब आप नया इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करते हैं पहले 1 से 1.5 महीने तक तो चुनाव कानून से लेकर के सारी चीजों पे हैंड्स ऑन होने में समय लगता है, और शुरू में जब आप 1 महीने की अपॉइंटमेंट शुरू करते हैं तो यू आर लाइक ए ट्रेनी और अप्रेंटिस। आपको सारे सिस्टम को समझना होता है, चुनाव कानून को समझना होता है, बारीकियों को समझना होता है। ऐसे में जो ये दो लोग आ भी जाएंगे, मान लीजिए जो कि अब मीटिंग ड्यू है 12-13 को 14 को, तो सिलेक्शन तो सरकार कर देगी लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा चुनाव के, जो जो, जो चुनाव अब होना है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो पाएगा? जवाब है ना। जब अनूप चंद्र पांडे जी रिटायर हुए थे तो उस दिन से लेकर आज 24वां दिन है, अगर सरकार तब उतनी गंभीर हुई होती तो कम से कम आज उनको एक फंक्शनल, उनके पास एक इलेक्शन कमिश्नर होता सीईसी के अलावा, तो सरकार ने उस 24 दिन में तो कोई किया नहीं, और अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन और क्रिएट हो गई है। तो अब सवाल ये हुआ कि एक सीईसी होगा और 2 फ्रेशर इलेक्शन कमिश्नर होंगे जिनको चुनाव आयोग के, चुनाव का और आयोग का भी नहीं पता होगा, तो वो किस तरीके से इस अपनी जिम्मेवारी को निभा पाएंगे? नियुक्ति एक बात है और जिम्मेवारी का निर्वहन और दायित्व का निर्वहन दूसरी बात है। जी जी, तो जब तक अब तक तो ये ब्यूरोक्रेट थे, सरकार के इशारों पर सब कुछ करते थे, अब इनको सरकार पे भी चेक रखना है, अपोजिशन पे भी चेक रखना है, चुनाव भी स्मूथ कराना है। आपको लगता है क्या कि आपने मुझे 13 तारीख को शपथ दिलाई और 14 को मैं फंक्शनल हो जाऊंगा? संभव नहीं है। हैंड्स ऑन होने के लिए 1-2 महीने का समय चाहिए। और आपको ध्यान होगा जब मिस्टर कुरैशी होते थे, गोपाला स्वामी रिटायर हो गए थे, कुरैशी साहब सीसी बने, नवीन वर्मा थे उस टाइम, तो वीएस संपत को लाया गया था इलेक्शन प्रोसेस ओनली। तो 1-1.5 महीने तक उनको समझना भी लगेगा, स्वाभाविक है, मानवीय प्रवृत्ति है वो। इतना बड़ा कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कोई छोटा कानून नहीं है, और फिर हैंड्स ऑन होना, इतना बड़ा देश। अब इसमें असली बात यूसुफ जी, उसमें अजीत जी कुछ और है। जब चुनाव होता है तो देश में 1991 से पहले एक ही चुनाव आयुक्त होता था, अगर आपको ध्यान हो। 1991 के बाद ये क्यों हुआ इसको समझना पड़ेगा। इतना बड़ा देश है और 90 करोड़ से ऊपर वोटर हैं, तो ये 3 चुनाव आयुक्त क्या करते हैं? देश को 3 हिस्सों में बांटते हैं और एक 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 रीजन को अपनी पूरी नजर रखते हैं और उस पर हैंड्स ऑन उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, कमांड एंड कंट्रोल रहता है। अकेला सीसी जो हैंड्स ऑन तो केवल वही है ना, बाकी 2 तो नहीं आएंगे ना, तो उनके पास कोई रीजन स्पेसिफिक कोई चीज है ना, उनको कानून के जो इलेक्शन कानून उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना, चुनाव कंडक्ट कराने की अंडरस्टैंडिंग है ना, एमसीसी की अंडरस्टैंडिंग है। तो प्रैक्टिकली 3 इलेक्शन कमिश्नर आपने लगा भी दिए तो इफेक्टिव तो एक ही होगा ना, एंड दैट इज राजीव कुमार। तो सरकार ने जो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट की है, दिस इज बेसिकली अ लैक ऑफ विजन। नहीं तो 24 दिन में जैसे ही रिटायर हुए पांडे साहब उसे अगले दिन कर सकते थे। और अगर आपको ध्यान हो अजीत जी, ये नया फिनोमिना नहीं इस सरकार के लिए, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, 2014 से लेकर के आज तक जब तक जब से सरकार आई है मोदी जी की, चुनाव आयोग ने किसी भी राज्य का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है उस पर हमेशा विवाद हुए हैं, चाहे तो उसकी शेड्यूलिंग के ऊपर, चाहे उसके फेसेस के ऊपर, और कहां पर चुनाव कब होगा इसको लेकर के हमेशा विवाद उठते हैं। और ये कोई भी सीसी हो, जो 14 से लेकर के आज तक, और उसका साधारण कारण क्या है कि जो भी चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाता है वो हमेशा ऑलवेज एंड एवर विदाउट फेल बीजेपी को फेवर करता है, और उसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न डेवलप किया गया है। वो पैटर्न क्या है कि जहां भाजपा मजबूत होती है वहां चुनाव पहले करवाए जाते हैं, जहां भाजपा वीक होती है वहां लास्ट फेसेस में होते हैं। और एक बार तो आपको ध्यान होगा, ऐसा भी कमाल हुआ पिछले साल कि स्टेट्स का चुनाव इकट्ठा होना था, गुजरात को अलग कर दिया गया और गुजरात का चुनाव कार्यक्रम बाद में घोषित किया गया, आपको याद होगा कितना विवाद हुआ। तो चुनाव आयोग में बेसिकली जिस तरीके से खिलवाड़ लगातार पिछले 10 साल में हुआ है, और चूंकि हमने तो चुनाव आयोग बहुत लंबे समय तक कवर किया है दिल्ली में, चुनाव आयोग की जो आज क्रेडिबिलिटी है दैट इज एट इट्स एवर लो, इससे नीचे कभी नहीं रही। और आपने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में एक बात कही कि जो चुनाव आयोग देश की 28 प्रमुख राजनीतिक दलों को
ईवीएम के ऊपर एक हियरिंग नहीं दे सकता, फॉरगेट अबाउट राइटिंग ऑफ देयर व्हाटएवर डाउट्स दे आर, केवल समय भी नहीं दे रहा, तो उस चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? उसमें अरुण गोयल ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया उसके बाद वो चीज और बढ़ेगी अविश्वसनीयता। और राजीव कुमार तो राजीव कुमार ने जिस तरीके से विपक्ष के और ईवीएम के इशू को हैंडल किया है वो अपने आप में बहुत खराब एक उदाहरण है। तो कुल मिलाकर के जो दो नए चुनाव आयुक्त भी आएंगे वो डमी ही होंगे और उनका कोई एक्टिव कंसिडरेशन या एक्टिव रोल नहीं होगा, आप बेशक लगा भी दीजिए। सिंह साहब आपके पास आते हैं, हालांकि कानूनी तौर पर कोई जरूरी नहीं है कि 3 सदस्यीय पैनल पूरा हो तभी चुनाव हो, लेकिन एक बात होती है मोरालिटी की, एक बात होती है ट्रांसपेरेंसी की, और एक बात होती है कि 3 लोग हैं तो कई बार 2:1 से भी कोई फैसले होते हैं, या किसी के खिलाफ, भाई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी आरोप लगते हैं आचार संहिता के उल्लंघन के, अमित शाह के खिलाफ भी लगेंगे और लगते रहे, शमशान कब्रिस्तान जैसे नारे और कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं और बाहरी दिल्ली में बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे और 80-20 के नारे, ये सब तो सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों ने किया, और उसके पहले भी अगर आप देखेंगे अतीत में 19 चुनाव के पहले पुलवामा के शहीदों का इस्तेमाल चुनाव में किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगे, और उसके बाद क्या हुआ कि जब चुनाव आयुक्तों के बीच में असहमति हुई, 2 चुनाव आयुक्त सीसी समेत क्लीनचिट देने के पक्ष में थे प्रधानमंत्री को, अशोक लवासा उससे असहमत थे, उन्होंने असहमति दर्ज कराई और उसके बाद डिफरेंसेज हुए और छापे पड़े और एजेंसियां अशोक लवासा के परिवार के खिलाफ जो भी, और उसके बाद अशोक लवासा अचानक पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन से बाहर जाके एडीबी में चले गए। तो अब ये भी हो सकता है कल को कि ये किसी इंटरनेशनल असाइनमेंट पर चले जाए, लेकिन सवाल यह है इस स्थिति की सिंह साहब जो अचानक है, जैसा कि मैंने कहा पिछले बार 2019 में 10 मार्च को नोटिफिकेशन हो गया था, आज ऑलरेडी हम 10 पर पहुंच चुके, तो 15 तक तो नोटिफिकेशन इनको करना था और अब ये सिलेक्शन करेंगे। देखिए एक चीज बहुत साफ है कि सरकार इस ऑकवर्ड पोजीशन में इस समय अपने को नहीं डालती। मान लीजिए उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजना है या उनको कहीं किसी असाइनमेंट पे भेजना है या एमपी बनाना है, तो क्या ये वो समय है जब आप उसको अचानक मझधार में छोड़ के और एक इलेक्शन से, जो आपने ये बात कही है भारत के संविधान निर्माताओं ने जब आर्टिकल 324 पे बहस किया था तो उसमें एक प्रोविजन दिया है, प्रोविजो 2 है जो 324 का सेकेंड प्रोविजो है, उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत साफ है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो कितने इलेक्शन कमिश्नर हो ये सब्सिक्वेंट लॉस से बनाए, और ये पार्लियामेंट के पास पावर उन्होंने डेलीगेट कर दिया था, पार्लियामेंट ने नहीं बनाया कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये तो एक हो सकता है, अब मोदी जी ने बनाया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने को उसको उल्टा करने के लिए, लेकिन उसके पहले तक नहीं बना था। लेकिन उसमें जो प्रोविजन है 124 में सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये 3 फंक्शन है जो कि करने होते हैं। अब यहां पे आपने हाल के दौर में एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया इलेक्शन कमीशन जिसमें कि कोइक्वल्स है, जो टेक्निकली देखेंगे आप तो वो कोइक्वल्स है और तीनों के वोट बराबर बराबर एक एक वोट है, तो इसलिए डेवलप किया गया था कि समय के साथ कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है चुनाव में हमारे, और वो इस तरह की है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ उसके वायलेशन होने लगे, धर्म आया, और आपको याद होगा कि यही इलेक्शन कमीशन है ना कि वेस्ट बंगाल में मोदी जी और अमित शाह कोविड के प्रोटोकॉल का धज्जियां उड़ाते रहे और ये चुप रहा, और जब आखिरी मीटिंग मोदी जी ने कर ली उसके शाम को ये वो पाबंदी लगाता है, कोविड की पाबंदी लगाता है, तो ये तो केचुआ बन गया था, ये तो ऋण विहीन संस्था है, लेकिन कम से कम एक पर्दा रखने के लिए ये था कि 3 मेंबर होते हैं और 3 मेंबर को इक्वल्स के कंसेप्ट पे आदान प्रदान अपना करके एक फैसला लेते हैं। आपने उसको भी खत्म कर दिया, अचानक एक इस्तीफा हो गया, अब इस्तीफा हो गया तो क्या एक कैसे, इसलिए कि साहब पहले एक से होता रहा है, पहले एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर था
आज की जो जटिलताएं हैं उसको देख के भी क्या आप उसी उस पुराने पे चले जाएंगे? नहीं, लेकिन तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जैसे आपने कहा आपने खत्म कर दिया भाई, अभी तो इसके लिए भाई मोदी जी की सरकार ने इस्तीफा मांगा, ये तो अभी पता नहीं है, और ये तो अभी पता ही नहीं है कि हुआ क्यों इस्तीफा। और दूसरी बात देखिए, ये तो कोई भी आदमी सेंस, मतलब अगर कहीं भी रीजनिंग लॉजिक होगा तो ये बात होगी कि अगर अस्वस्थता वजह थी, अचानक 4-5 को आप बंगाल में होते हैं, वहां की तैयारियों का रिव्यू कर रहे होते हैं, 5 को आपको प्रेस के सामने आना होता है, अचानक सामने आकर बताया जाता है कि वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं आ पा रहे, और उसके बाद फिर यहाँ शुक्रवार को, मतलब शुक्रवार 7 तारीख रहा होगा, 7-8 7 या 8 जो भी रहा होगा, शुक्रवार को नौ अचानक नौ आप मीटिंग, 9 है नहीं, आज है 10 ना, आठ आठ तारीख आठ आठ 8 तारीख 8 मार्च को सुबह तैयारियों की मीटिंग है, और उस मीटिंग 11 बजे मीटिंग होनी है होम सेक्रेटरी के साथ, और फिर सूचना आती है कि उनकी तबीयत खराब है। तो मैंने किसी से पूछा, किसी सीनियर आदमी से, उन्होंने कहा देखिए वो तो कॉन्टिन्यूटी भी बनाया जा सकता है ना, कि बंगाल में तबीयत खराब है तो यहाँ कैसे ठीक होगी, तो कॉन्टिन्यूटी में चलिए तबीयत खराब रह गई। लेकिन ये सूचना इलेक्शन कमीशन के कई लोग खुद सरप्राइज है कि ऐसा कैसे हो गया, जब वो प्रोएक्टिव होकर, एक लिस्ट है पूरी की, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, सब जगह वो जा रहे थे, और जैसा कि हमने शुरू में कहा 12-13 को जम्मू कश्मीर जा रहे थे। तो ये गेंद, या जो जो गेंद क्या कहूं, ये जो फैसला है ये अरुण गोयल की तरफ से हुआ है, तो अरुण गोयल के फैसले के पीछे वजह अभी क्या मान सकते हैं सिंह साहब को, सरकार को वजह है? 45 साल से मैं इस पेशे में हूं और मुझे अक्सर यही खबर मिली है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बहुत बिल्कुल आम होता है, यही वहां भी किया गया है। क्या वो एयर एम्बुलेंस से लाए गए थे? कैलकटा से उनको एयर एम्बुलेंस से लाया गया था और तब से वो एम्स में पड़े हुए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है ना। तो अगर ये नहीं हुआ है तो मीटिंग अटेंड करना है, फिर अगर ये था तो 12-13 की मीटिंग का टिकट भी खरीद लिया गया है जाने का। तो मुझे लगता है कि ये सब बड़ा ही वैसा है। उनको ब्रह्म ज्ञान आया होगा। और सिंह साहब, सिर्फ ये आप ही की बात को आगे बढ़ाने के लिए, कि अगर स्वास्थ्य कारण इतना सीरियस है, इतना गंभीर है कि चुनाव की तारीख के ऐलान के 5 दिन पहले इस्तीफा देते हैं, तो फिर सरकार की तरफ से, कोई अनुराग ठाकुर की तरफ से, किसी पीयूष गोयल की तरफ से ये सूचना आ चुकी होती कि भाई वो उनको इतनी गंभीर बीमारी है और उनको तुरंत इस्तीफा चाहिए, मतलब सॉरी रेजिग्नेशन करके उससे नौकरी से मुक्ति चाहिए, ये भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं जी। हुआ अभी तक। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अनुराग ठाकुर ये कहते हैं उनके हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ये कहा जा सकता था जो परंपरा है, लेकिन वो भी नहीं है। तो अच्छा, अब दूसरा इसका रिवर्स साइड देखिए कि क्या इतने साल गवर्नमेंट में रहने के बाद ये ब्रह्म ज्ञान या ये नैतिकता अचानक अब जगी है कि उनको लगा कि नहीं डिप्लॉयमेंट 100 कंपनियों का हो या सीआरपीएफ की यहाँ कौन सी रखी जाए, वो फोर्स रखी जाए, या ये कि ममता बनर्जी को, ये जो जैसे अभी 2 दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल गांधी को चेताया है इलेक्शन कमीशन ने कि देखिए आप ये ध्यान रखिए अभी जो हमने नया कोड निकाला है उसके अनुरूप आप ये सब बात कीजिए, और ये सब शब्द का इस्तेमाल ना हो, जी शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। लेकिन इसके पहले मोदी जी ने कितना वायलेशन किया है और सबको आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसको कहे, ये भी हम सब जानते हैं। तो इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान अचानक नैतिकता जग गई है किसी एक अफसर की, जिसको कि इतने जद्दोजहद के बाद, रात भर की मीटिंग के बाद लाया गया है, ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अचानक इनको वो हो गया, नैतिकता इनकी जग गई है और इतनी जगी कि वो पद छोड़ देंगे, सरकार को ऑकवर्ड पोजीशन में दांत डाल देंगे। जरा इसके बाद लवासा का इतिहास याद कर ले, लवासा को अगर ये ब्रह्म ज्ञान जगा था तो हश्र क्या हुआ, ये उनको याद रखना चाहिए। और इसी का क्यों, और भी तमाम है, एक जज है उनका भी हश्र क्या हुआ जो उन्होंने कि गलत एक फैसला दिया था, जो कि सरकार को नागवार गुजरा, सरकार के दो जो टॉप पे बैठे उनको नागवार गुजरा। तो ये मुझे लगता है कि इस रेजीम में ये मानना कि अचानक किसी अफसर का इतने साल की सेवा में ऐसे ही ऋण नहीं रहती है, एक आईएएस की ऋण तो वो खत्म सिस्टम ही कर देता है, बाकी ये गवर्नेंस का जो मॉडल है ये कर देता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कारण रहा होगा कि
कि राजीव से उनकी पट नहीं रही है। अरे भाई तुम्हें इसके बाद चलाना कितना है, इसके बाद कितना रह गया है राजीव कटाई। और तब जब तुम बनते सीईसी तो बादशाह होते, सीईसी के अपने वो होते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई उसकी वजह से, नैतिकता जगने की वजह से या लॉजिस्टिकल कोई वैभिन्न हुआ हो जिसकी वजह से ये हुआ है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बहुत तल्ख तेवर है, खत्म ही कर दिया पूरा बॉन्ड को, बंदी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो पाइपलाइन थी पूरी बीजेपी की, वो पाइपलाइन काट दी, बंद कर दी, और हिसाब किताब को लेकर एसबीआई का रोना धोना जो भी है सामने है। तो कहीं ये सब भी कोई पेचीदगी हो सकती है क्या? अभी तो उसके लिए डरे, उसके लिए डरे तो अनुमान के आधार पर बात कर रहे हैं, उसके लिए डरे तो एसबीआई चेयरमैन डरे, चिट्ठी उसने लिखी है, एप्लीकेशन उसने लगाई है एक्सटेंशन के लिए, या सरकार और बीजेपी चिंता करे। जी सरकार बीजेपी चिंता करे, उसके लिए इलेक्शन कमीशन क्यों चिंता करेगा? क्या काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से? तो अगर काजी जी हम दुबले होना शुरू हुए हैं तो इतने साल ब्यूरोक्रेसी में रहने के बाद ये कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि साहब। अच्छा फिर इसमें तो इलेक्शन कमीशन पे आज भी नहीं आएगी क्योंकि उसका तो रोल ही अभी नहीं आया है। अगर उसको अगर आप दे देते और वो ना उसको पब्लिशाइज कर रहा होता, उसको अपने वेबसाइट पे ना डालता, तब तो ये ग्राउंड आता कि स्ट्रक्चर बनता है। खिलाफ कोई स्ट्रक्चर होता कि आपने दबा दिया और आपने क्यों नहीं किया, दबा दिया तो ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमें लगता है कि इसको अभी तक कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी है बड़ा संगीन, जो भी निकल के आए, जबकि आए हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, संगीन के साथ सस्पिशियस है, मतलब रास्ते में जी मिस्ट्री है। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। हेमंत अत्री साहब, आपके पास आने से पहले बहुत सारे दर्शक जो वैसे लोग जानते होंगे, इतने अवेयर है, अरुण गोयल पर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सवाल उठे थे। मेरे पास कुछ लाइनें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जब अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने याचिका दायर की थी, प्रशांत भूषण वकील थे, तो सुप्रीम और हुआ यही था कि 18 नवंबर 2022 को उन्होंने वीआरएस लिया, उस समय हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे, और उसके बाद 19 नवंबर 2022 को 24 घंटे में लाइटनिंग स्पीड से सारी फाइलें क्लियर हुई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयुक्त बने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुनवाई के दौरान कि जल्दबाजी इतनी उनकी ज्वाइनिंग की क्यों थी अपॉइंटमेंट की, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की फाइल बिजली की रफ्तार से क्लियर की गई, अंग्रेजी में कहा उसका हिंदी तर्जुमा है, जिस दिन एप्लीकेशन आती है उसी दिन क्लियरेंस दी जाती है और प्रधानमंत्री भी नाम को मंजूरी दे देते हैं, ऐसी अर्जेंसी क्या थी जो सारा काम एक दिन में ही करके नियुक्ति दे दी गई? और उस समय ये 3 मेंबर पैनल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था जिस समय ये इनकी नियुक्ति हुई थी। हमें भी पता है कि कुछ काम बिजली की रफ्तार से करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो वैकेंसी 15 मई से थी, मतलब 15 मई से खाली थी और उसके बाद आपने 5-6 महीने बाद अचानक किया। अब उसी में मैं देख रहा हूँ जस्टिस जोसेफ और जो अटॉर्नी जनरल की कोर्ट में बहस हो रही थी, जस्टिस जोसेफ ने कहा कि कोई सरकार यस मैन को नियुक्त करती है और ऐसे व्यक्ति की सोच भी सरकार जैसी होती है, यह चुनाव आयोग है, यहाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्या कभी किसी प्रधानमंत्री पर आरोप लगे तो क्या आयोग ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, हमें एक ऐसे सीईसी की आवश्यकता है जो पीएम के खिलाफ भी एक्शन ले सके। और यही सब बहसों का नतीजा हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने वो प्रक्रिया बना दी थी चुनाव आयोग में नियुक्ति की, जिसको पलट दिया सरकार ने। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम आपके इस ढांचे और प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं, किसी के नाम के चयन का अधिकार क्या, आधार क्या होता है, आप हमें बताइए कि ये लिस्ट कैसे बनाई, कोई दिसंबर में रिटायर होने वाला था, और ये उसकी एक कहानी ये भी है कि ये जो अरुण गोयल साहब है रिटायर दिसंबर में होने वाले थे, 20 दिन पहले इन्होंने वीआरएस लिया, दिसंबर में रिटायर होने वाला था, जिन 4 नामों की सिफारिश की गई थी उनमें एक चयनित व्यक्ति सबसे कम उम्र का है, आपने ये कैसे चयन कर लिया, ये हमें जानना है। उसके बाद उन्होंने ये सब भी कहा कि ये चयन प्रक्रिया का आधार क्या है, हमें ये बताइए, आप डेटाबेस कैसा तैयार करते हैं, आप ये बताइए, लिस्ट में से 4 नाम किस आधार पर छांटे, आप ये बताइए। एक जस्टिस रॉय थे, उन्होंने भी इसी तरह के एतराज किए कि आप सही ठहराने की प्रयास कर रहे हैं इस नियुक्ति प्रक्रिया को, एक ही कैटेगरी के 40 नामों से 4 पर कैसे आए और 4 में से
इन पर कैसे आए और 36 बार कैसे, ऐसी बहुत सारी बहसें हुई थी इनकी नियुक्ति को लेकर। तो जिसकी नियुक्ति को लेकर सरकार की फजीहत हुई सुप्रीम कोर्ट में, अलग बात है कि बाद में इनकी नियुक्ति को रद्द नहीं किया कोर्ट ने, लेकिन वो अगर इलेक्शन कमिश्नर अगर बाहर होता है, इस्तीफा देता है अचानक, तो हम लोग ऐसे कयासबाजी पे रहेंगे, कुछ पता भी चलेगा अत्री साहब? देखिए अजीत जी, इस सरकार की दो तीन खासियतें हैं और सीक्रेसी उसमें सबसे बड़ी यूएसपी है। अगर आपको चंद दिन पुराने पीछे लेके जाऊं मैं, जब चंडीगढ़ के अंदर मेयर वाला फिएस्को हुआ था, और जिस तरीके लोग कह रहे उसी मेयर को इलेक्शन कमिश्नर बना देना चाहिए और उस पे लोग जाहिर, मेयर नहीं वो मतलब अनिल मसीह को, माफ करिए अनिल मसीह इलेक्टोरल ऑफिसर जो था ना उसको। अब सवाल मैं कुछ और याद दिला रहा हूँ आपको, उस घटना के दो दिन के अंदर पंजाब के राज्यपाल जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं एक्स ऑफिशियो, वो दिल्ली आए थे और इमीडिएटली खबर आई कि उनका इस्तीफा हो गया बनवारीलाल पुरोहित जी का, कोई रीजन आज तक नहीं पता। और 7 दिन के बाद खबर आई कि पुरोहित जी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। तो पहली बात, उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों था? इसे गवर्नर को छोटी मोटी बात नहीं, और इस्तीफा दिया था उसके कारण आते ना वो आए, और ना इस्तीफा नामंजूर किया गया ना उसके कारण आए। तो एक बात तो आप तय मानिए कि जो मौजूदा केस में जो अरुण गोयल का केस है, ये विचित्र केस क्यों है? और इसके लिए आपने जिस व्यक्ति से बात की थी, मेरी भी कुछ लोगों से इलेक्शन कमीशन में बात हुई, बड़े इंटरेस्टिंग डिटेल्स आई है। ये ओवरनाइट नहीं होता अजीत जी इस्तीफा, ये नहीं कि आपने मुझे कहा मैंने आज इस्तीफा दे दिया, इट हैज ए बैकग्राउंड। उसमें होता है तत्कालिक ट्रिगर क्या था। तो जो मुझे बताया गया है वो ये है कि सीईसी ने चंद दिन पहले किसी सीनियर कुलीग को ये कहा, अपने से भी सीनियर कुलीग को, कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहे, कोट अनकोट अरुण गोयल का नाम लेकर। तो आप सोचिए, जो आदमी इतना पावरफुल है, जो इलेक्शन कमिश्नर होकर सीईसी को काम नहीं करने दे रहा, हालांकि वो एलेज्ड है, उन्होंने ऐसा कहा कथित तौर पर, और वही व्यक्ति जो काम नहीं करने दे रहा उसका इस्तीफा हो रहा है, ना कि सीईसी का इस्तीफा हो रहा है। तो ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि इसमें हुआ क्या है। इसमें कुछ ऐसी ड्रास्टिक चीज हुई है जो ट्रिगर पॉइंट बना इस्तीफे का। और अब तो खबर तो ये भी प्लांट की जा रही है कि होम सेक्रेटरी ने स्थिति को डिफ्यूज करने की कोशिश की। ये खबर आ गई, नहीं नहीं नहीं, ये खबर चल रही है ट्विटर पर कि होम सेक्रेटरी ने भल्ला साहब ने डिफ्यूज करने की कोशिश की सीसी और अरुण गोयल के बीच में, कुछ संवाद कायम करने की कोशिश की, लेकिन मामला एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो फिर बात आती है भाई, यहाँ तो रेफरी बनने के लिए लोग थे भाई, ये दोनों का टकराव इतना हो गया कि उन्होंने 4 साल की नौकरी पहले छोड़ दी, देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बनते अगले साल। अजीत जी, आज के दौर में आपको लगता है होम सेक्रेटरी कौन होते हैं? होम सेक्रेटरी इज द फर्स्ट पॉइंट्समैन इन सच केसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, जिन्होंने वो भी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, वो लाडले हैं भल्ला साहब। एग्जैक्टली, तो ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि होम सेक्रेटरी कोई बात कहे और अरुण गोयल उनके ऊपर से होकर के इस्तीफा दे दे? ये संभव नहीं है। ये कहानी आएगी जरूर बाहर, लेकिन चूंकि ये सरकार हर चीज को रहस्य में और पर्दे में डालने की आदी है, और जैसे लवासा साहब की बात की ले, उनका जब इस्तीफा हुआ था आपको पूरा ध्यान होगा, हमने डेट वाइज लिखा था कि कैसे 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 क्या हुआ था, पूरी क्रोनोलॉजी दी थी कि कहां से कहानी शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ने कब वायलेशन की, उसके बाद 5 केसेस मैंने दिए थे कि इन इन केसेस में लवासा ने कहा कि नहीं इनको आप नोटिस दो कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का। और गजब ये हुआ था कि उसके अंदर जो तब सीईसी थे उन्होंने कहा कि इनका डाइसेंट नोट भी हम सामने नहीं आने देंगे, ये कभी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, सबके अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं, डाइसेंट नोट बाहर आता है बाकायदा, आपने आप दो जने हो, मैं अकेला हूं, आपने मेरा न्यूट्रलाइज कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा डाइसेंट नोट आएगा। लेकिन तब के सीईसी ने भी ये खेल किया था। आज की तारीख में स्थिति यह, देखिए ये कहानी तो बाहर आएगी, लेकिन कब आएगी अजीत जी, सवाल दूसरा है। इस पूरे खेल में अगर कोई चीज लूजर है वो है चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, इस सरकार की साख, कि किस तरीके से संवैधानिक पदों को आपने कठपुतली बना करके तो आप लगाते हैं और कठपुतली की तरह ही वो हट भी जाते हैं। तो हमारी जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, जो चुनाव आयोग को जो संविधान से संरक्षण है कि सरकार नहीं हटा सकती चुनाव आयुक्त को, उसका एक पूरा लेट डाउन प्रोसीजर है, तो किस तरीके से ओवरनाइट एक जो सरकार का ब्लू आईड इलेक्शन कमिश्नर है वो ओवरनाइट इस्तीफा देके चला जाता है और लिखा जाता है कि पर्सनल रीजन। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और हुई है जी, मैं आपको याद दिला दूं, आपको पता होगा जो अरुण गोयल ने इस्तीफा भेजा है वो सीसी को नहीं भेजा, वो राष्ट्रपति को भेजा डायरेक्ट, राष्ट्रपति को भेजा, सही कर, ये भी चीज समझने की है। तो इसका मतलब डिफरेंसेस कहीं इतने थे कि वो अरुण गोयल जी तो मौजूदा सीसी राजीव कुमार उनको सीसी भी मानने को शायद तैयार नहीं थे, इसलिए राष्ट्रपति को भेजा, अदरवाइज थ्रू पर चैनल रहता है। हाँ, इस्तीफा जाएगा गुरु सीसी।
जैसे जैसे ये लगातार अब ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं, एक अरविंद है जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा व्हाट ट्रांसपायर्ड इन ईसी बिटवीन मार्च 5 टू 9, और मार्च 5 से 7 डेट सिग्निफिकेंस है कि क्या हुआ उसी में। 5 मार्च को जब अरुण गोयल एब्रप्टली कोलकाता की के विजिट को उन्होंने कट शॉर्ट किया, और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने हेल्थ इश्यू को बनाते हुए, और उसके बाद दिल्ली आ गए। फिर 7 मार्च को उन्होंने जो मीटिंग थी चुनाव तैयारियों की मीटिंग, उसमें शामिल नहीं हुए। फिर 8 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, भेज दिया प्रेसिडेंट को, और किसी को उन्होंने लूप में नहीं रखा। अब उसमें सिंह साहब ऐसे भी, जैसे अब बंगाल के जो हाईकोर्ट के जज है, उन्होंने भी सीधा प्रेसिडेंट को इस्तीफा दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ कैलकटा, मतलब कैलकटा हाईकोर्ट, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को थोड़ी दिया। इस केस में भी मुझे लगता है लीगैलिटी शायद ये इतना बाध्य नहीं करती होगी उनको, इलेक्शन कमिश्नर को, कि वो सीसी के थ्रू अपना इस्तीफा मूव करें। क्या कहता है इसमें प्रावधान सिंह साहब? नहीं देखिए, ये अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। जैसे हाई कोर्ट का जज है, ये बाध्यता नहीं है कि वो सीजेआई के थ्रू अपना इस्तीफा दे, वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट देता है। और आर्टिकल 324 में जो चुनाव आयोग के लिए है, उसमें जो फर्स्ट प्रोविजो है उसमें इनको हटाए जाने का की एक प्रक्रिया लिखी हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाए जाने, प्रूवन मिसकंडक्ट, इसके आधार पे ही हटाया जा सकता है। तो वही वो जज वाली प्रक्रिया है। इनके लिए तो संविधान निर्माताओं ने इतना मजबूत बनाया है, लेकिन अचानक एक इलेक्शन कमिश्नर जगता है और वो बंगाल की मीटिंग में आधा छोड़ के चला आता है, जो परंपरा होती है कि हर राज्य में जब जाता है इलेक्शन कमीशन तो वो एक पार्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और ये परंपरा बहुत पुरानी है। तो और वो बताता है कि किस किस तरह से हम यहाँ कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करता और आके इस्तीफा दे देता है। तो ये जो इतनी दुरूह प्रक्रिया है, उसने इस्तीफा दिया है तो क्या ये उसका अपना है, या सरकार के किसी दबाव से, या लॉजिस्टिक से, या इस वादे से कि तुम्हें हम कुछ और बेहतर देंगे। और इस दौर में ऐसा है कि सरकार के नजदीक रहने के लिए अगर वो कहे कि अच्छा कल से पानी पिलाना तुम प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, वो इसको पे भी राजी हो जाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं सत्ता के नजदीक रहना है। तो हमें नहीं लगता है कि ये प्रक्रिया सरकार के बिना मन मुताबिक हुए, सिर्फ नाराजगी से, राजीव सीसी की नाराजगी से कि दोनों के बीच में मीटिंग में कुछ पदभिन्न हुआ जिसकी वजह से वो दे रहे, मुझे बिल्कुल नहीं संभव लग रहा है। क्योंकि कल ये राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं, फरवरी में रिटायरमेंट है, अगले मतलब कि 2025 में, उसके बाद के जो 1.5 साल होंगे, 1.5 साल से ज्यादा, पौने दो नहीं साल ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, 2.5 साल सर, ये 27 के आखिरी महीने में रिटायर करते, तो 2.5 साल 25 वर्ष, हाँ 2.5 साल, 5 दिसंबर 2027, तो 2.5 साल एक आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, 3 साल रहते हो, सरकार की नाक का बाल रहेगा। और वो फिर वो आईएएस है, कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी हिमालय की कंदरा से नैतिकता का वो लेके आया है, वो ब्यूरोक्रेसी में ही रहा है और दशकों तक रहा है। तो हमें नहीं लगता कि अचानक कोई नाइतफाकी है जिसकी वजह से स्वयं इस्तीफा मतलब वो दे दिया है। इसमें कहीं ना कोई कोई ऐसा पेच है जो सरकार से जुड़ा हुआ है। और वो बिल्कुल सही है कि कोई पद देने का हो। एक चीज हमें लग रही है कि 2 सीईसी आपकी अपॉइंटमेंट पे, 2 हम अपने लाते, किसी को एकोमोडेट करना है जो बहुत ही लॉयल है उसको लेके आते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन होने जा रहा है, उसके लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, और उसपे संविधान के कई जो फंडामेंटल्स है उसको बदलना पड़ेगा, और इसके साथ राज्यों का कॉन्फ्रेंस लेना पड़ेगा। तो ये मुमकिन है कि कोई 2 ऐसे लोग लाना चाहते हो, ये तो अपने थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, अब हम जो 2 ले आएंगे वो अच्छे हो, उसमें से एक सीसी बन जाएगा, फिर एक ही का अपॉइंटमेंट रह जाएगा। ये हमें लग रहा है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि इनसे कहा गया हो कि आप इस्तीफा दीजिए, और 14-15 की मीटिंग में, 13-14 की मीटिंग में जो इसके लिए बनाई गई है, और जिसके लिए अधीर रंजन जो एक मेंबर है जो ये फैसला लेगी, उसके अधीर रंजन को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हम लोग वो मीटिंग करेंगे। तो इसका मतलब है कि उन दोनों को सरकार लाना चाहती है, जो कि
हर तरह से इनको अगले वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक मजबूत पाया हो, ये एक पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार इतना तमाशा करेगी वो बिल्कुल लॉजिकल नहीं लग रहा है। मुझे भी नहीं लगता, मुझे भी लगता है, क्योंकि फेस सेविंग मुश्किल है ना सर, बचाव करना मुश्किल है कि भाई इस तरह से इस्तीफा, भाई अगर कुछ होता तो नेचुरल कोई ऐसा रीजन तलाशा जाता, लेकिन इन वक्त पर 5 दिन पहले ये करना, तो ये कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्देदारी है, जिसके बारे में नहीं पता। बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कल देर रात से और रात भर से लेकर अभी तक, सबसे बड़ी खबर देश के लोगों के लिए और जिनको भी भारतीय राजनीति में भारतीय चुनाव में दिलचस्पी है उनके लिए कि आखिर हुआ क्या। तो बहुत सारे ट्वीट से मैं कुछ ट्वीट बता रहा हूँ स्क्रीन पर, जैसे रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक देश एक नेता तो सुना था, अब चुनाव आयुक्त भी एक ही बच गए, ये बहुत गंभीर मसला है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी ट्वीट किया, जब अरुण गोयल ने इस्तीफा दे ही दिया तो भाजपा को अनिल मसीह को मुख्य चुनाव आयुक्त बना देना चाहिए, तो तंज में कर रहे। मनोज झा का ट्वीट है कि चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, संभवतः लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा के ठीक एक सप्ताह पहले। इस तरह के इस्तीफे संशय पैदा करते हैं चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे, आर्टिकल 324 भी करा रहा है, क्या मैं जर खरीद गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन शिकायत किससे करें। इसी तरह से कपिल सिब्बल ने कहा है कि निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है यदि चुनाव के ठीक पहले जो कुछ ही महीने दूर है आप इस्तीफा देते हैं, तो जाहिर है कुछ गंभीर बात है जिसके आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। मैं संभवतः उस कारण का अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन जाहिर तौर पर मतभेद का कुछ तत्व है, खासकर जब उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है। ऐसे लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र तो हमने किया ही, जयराम रमेश का ट्वीट भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता और बहुत सारे जर्नलिस्ट लगातार ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि आश्चर्य होता है ना, विचित्र किंतु सत्य, आश्चर्य किंतु सत्य। सत्य तो है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आश्चर्य है क्यों दे दिया। खबरें लगातार आ रही है सोशल मीडिया पर कि चुनाव आयोग में भी किसी को भनक नहीं थी, सब वहां सरप्राइज है, सब एकदम आश्चर्यचकित है कि ये क्या हुआ। एक कहीं से खबर देखी कि वो बंगाल से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर स्किप करके स्वास्थ्य कारणों को बताकर वहां से आए थे, तो बीच में वो 6 तारीख को चुनाव आयोग में एक दिन के लिए वो 6 तारीख को देखे गए थे, वो लास्ट डे ऑफ वर्किंग माने जो भी 6 तारीख को चुनाव आयोग में थे और उसके बाद फिर 7 और 8। तो अब ये पहेलियां हैं, अब दिक्कत यही है कि ये पहेलियां बुझाई क्यों जा रही है, क्योंकि जिनको बताना था या जिनके जरिए पूरी सूचना आनी थी वो सूचना नहीं आई। तो चुनाव आयुक्त कोई इस्तीफा देगा तो लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे, इसमें बहुत सारी काइट फ्लाइंग भी हो रही होगी, तो ये पता कब तक चल जाएगी। आप इतना कह रहे हैं चुनाव कवरेज किया है इलेक्शन कमीशन आपने अत्री साहब, देखिए अजीत जी, इस सरकार का, जब मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये सच्चाई जो असली है उसका बाहर निकलना नामुमकिन है, जिस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को बिल्कुल कर दिया गया है। देखिए ऑफिशियली क्या है, ऑफिशियली तो उन्होंने राष्ट्रपति को 2 लाइन का इस्तीफा लिखा है कि ड्यू टू पर्सनल रीजंस। इसकी जो एक्चुअल बैकग्राउंड है वो कौन बताएगा, वो चुनाव आयोग के तमाम लोग बताएंगे या चुनाव आयोग की फाइलें बताएंगे। और आज की तारीख में जो स्थिति है पूरी की पूरी, वो कहीं आपको कोई उम्मीद लगती है? देखिए ना, या तो उसको कौन बता सकता है, या तो सीसी बता दे या गोयल साहब बता दे, आदर्श स्थिति तो वो होती है, वो दोनों बताएंगे नहीं। तो उसके बाद फाइल बोलेंगे, फाइल की एक्सेस कहीं होने नहीं देते। जब आप एक सर्विंग इलेक्शन कमिश्नर के डाइसेंट नोट को बाहर नहीं आने देते, तो आपको क्या लगता है कि जो इस्तीफे जैसा विवादास्पद विषय है उसकी फाइल नोटिंग्स बाहर आएंगी क्या? तो मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के रहते हुए कोई उस तरह की चीज ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्सेज से आ सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि ये काइट फ्लाइंग जो है ये बेमायने नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कारणों को जानना। और इस कारण पे आप बहस कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य धारा का तो सारा वो तो आगे कहीं और निकल गए चले। सही बात, सही बात। आप इसमें बहस कर रहे हैं, कम से कम आप नहीं, जरूरी बात है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग बार बार कर रहे हैं कि 5 दिन बाद तारीखों का ऐलान करना है, आप सब जगह घूम रहे। दूसरी बात देखिए, हेल्थ रीजन भगवान करे वो स्वस्थ हो और सलामत हो, कोई ऐसी गंभीर बीमारी ना हो, लेकिन चूंकि हेल्थ रीजन बताया गया तो हेल्थ इतनी खराब, को ऐसी बीमारी अचानक कैसे हो गई जब 2 दिन पहले आप 1 दिन पहले कलकत्ता में थे? क्या ऐसी बीमारी हो गई कि आपने इस्तीफा दे दिया 4 साल की नौकरी से पहले? और क्या इतनी गंभीर बीमारी हो गई कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले 5 दिन इस्तीफा दे दिया? और क्या ऐसी बीमारी है कि आप बता नहीं पा रहे, या सरकार नहीं बता रही है, या वो जानकारी नहीं आ रही? तो इसलिए सवाल है, अगर ये पता चल जाता कि ये स्थिति है, हेल्थ रीजन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये स्थिति, पारदर्शिता तो चाहिए, पारदर्शिता नहीं है, इसलिए सवाल है।
नहीं अजीत जी, स्वास्थ्य कार्ड होते हैं तो आदमी लिख सकता है, कोई आपत्ति थोड़ी है उसमें। आप एक बिल्कुल संवैधानिक पद पे काम करते हो, स्वास्थ्य किसी के साथ भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल और जो बिल्कुल मैंने जब आप जब जब आपका मैसेज आया कि इस पे काम कीजिए, तो मैंने तमाम लोगों से बात की, जो भी उनके कुलीग्स हैं फॉर्मर भी और जो अभी भी इलेक्शन कमीशन में, किसी ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि ही इज वेरी मच हेल्थ इज नो इश्यू। जब आपने कहा तो मैंने स्पेसिफिकली ये सवाल जानने की कोशिश की, तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। इसमें देयर इज समथिंग मोर दैट मीट्स दी आई, और वो निश्चित तौर पे कोई इतना बड़ा है जिसको ना तो सरकार हजम कर पा रही है और ना जिसको अरुण गोयल हजम कर पा रहे थे, एंड दैट बिकेम द रीजन जो तत्काल जिस तरीके से इस्तीफा हुआ। जो इस्तीफे का जो तरीका है वो अपने आप में संदेहास्पद है, और अगर सरकार को इसकी चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को और नष्ट होने से बचाना है तो मुझे लगता है गवर्नमेंट शुड कम क्लीन ऑन दिस। Either CC should have a press conference, or Arun Goel should have a press conference, or let the government do a press conference by telling whatever the reasons are. Otherwise, ये जो kite flying है, ये संवैधानिक संस्थाओं के लिए अच्छी नहीं है, खासतौर पे चुनाव आयोग जब चुनाव घोषणा पे खड़ा हुआ है, और credibility as it's ever low, आज से नीचे इसकी विश्वसनीयता कभी नहीं थी। तो ये सरकार को सोचना है, चुनाव आयोग को सोचना है। बहुत आम कही आपने, यही क्लोज करते हैं सिंह साहब, कि सही है कि अगर भाई ये काइट फ्लाइंग होना अनुमान कयास अफवाह है, जिसको भाई विश्लेषण करेगा, अंदाजा लगाएगा, अनुमान लगाएगा, होता ही है, मानव स्वभाव भी है, और ये इतनी बड़ी खबर है भाई, खबर है तो ये लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये सस्पेंस क्यों है, ये सस्पिशियस सिचुएशन क्यों है, ये सरप्राइज क्यों है चुनाव आयोग के लोगों के लिए ही, कि चुनाव आयोग में ही किसी को नहीं पता था। तो सवाल उठता है, ऐसे समय में यही होना चाहिए था पारदर्शिता के लिए कि ऑन द रिकॉर्ड बताया जाए, अरुण गोयल या तो बताए सामने, या 10 लाइन की प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते कि हमने इस्तीफा दिया, ये वजह है, स्वास्थ्य वजह है या क्या वजह है, या सरकार की तरफ से ये बताया जाता कहीं कि भाई ये वजह है। तो ये छुपा छुपी का खेल ही, तो ये पर्देदारी जो है इसमें, या ना पता होना या सस्पिशियस होना, इसी वजह से हम लोग इतनी बात कर रहे हैं। प्रजातंत्र में 100 करोड़ जिस देश में वोटर, 95 करोड़ वोटर जिस देश में हो, जिस देश का डायमेंशन 32 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का हो, जिस देश में इतनी विविधताएं और तनाव हो, इतनी पार्टीज हो, हमें नहीं लगता है कि हम इसको बिना डिस्कशन के छोड़ सकते हैं। ये हमारा दायित्व भी है और समाज के प्रति भी दायित्व है कि हम इसको डिस्कस करें कि एक इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशन को इतना डेसिमेट करके, इतना कमजोर करके कि एक आदमी अब सिर्फ फैसला लेगा, एक सी सिर्फ फैसला लेगा, क्या ये संभव है कि राजीव कुमार पे ये छोड़ दिया जाए? और इतना बड़ा फैसला जिसमें कि आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस जमाने में नहीं हुआ करता था, आज इसके तमाम वायलेशंस के केसेस हैं, नंगा नाच हो रहा है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, जातिवाद, धर्मवाद और सांप्रदायिकता क्या क्या नहीं है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता को बताएं कि ये वजूहात हो सकते हैं, इनमें से कौन सा है नहीं मालूम, और ये हम शायद आने वाले कुछ दिनों में बता पाए, अत्री जी बता पाए क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग कवर भी किया है, और अजीत जी बता पाए, हम सब लोग डिस्कस करें। लेकिन ये हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि अचानक चुनाव के दिन, चुनाव के ऐन मौके पे एक एक इलेक्शन कमिश्नर छोड़ देता है और वो कहता स्वास्थ्य रीजन है। अरे बंगाल में अगर मछली खाते होते तो कोई कांटा वाटा फंस गया है, ऐसा कुछ हो गया है, तो इसकी भी खबर आनी चाहिए कि आपके साथ ऐसा कांटा फंस गया है कि वो निकल ही नहीं रहा है, तो फिर आप अस्पताल में क्यों नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पब्लिक डिस्कोर्स का एक बड़ा मुद्दा बनेगा, तो सरकार को इस पे कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। या जो भी गलत ही बोले, अक्सर गलत बोलती है, लेकिन सरकार को इस पे कोई ना कोई बयान देना पड़ेगा, और सरकार का दायित्व है क्योंकि वो चुनी हुई है, वो रिस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति, और अगर वो नहीं देती है तो ये हमारा दायित्व है कि हम जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको, हम संभाव्यताएं जो है उसको बताएं समाज को कि भाई ये चीजें हो सकती हैं वर्तमान सरकार के तरीके को लेके। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे, बिल्कुल, आज बिल्कुल, किया है, शाम को, अगले दिन ये होता रहेगा, क्योंकि जब तक सरकार इस पर नहीं बताएगी चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री साहब, देखते हैं कि कब तक पता चलता है कि वजह क्या है। अरुण गोयल जो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने अगर चुनाव की तारीखों के ऐलान से 5 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, चुनाव लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्तों पहले इस्तीफा दे दिया, तो इसकी वजह क्या है। और जब तक वजह पता नहीं चलती तब तक हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं।
और वजह पता चलेगी तो खबर की शक्ल में आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।